नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं बोल के सक्सेना आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि लगातार देश के अंदर ये जो ड्रोन अटैक को लेकर के विवाद चल रहा है, इसके अंतर्गत एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें आप सभी को बता दूं जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रोन दिखाई देने के पीछे अब पाकिस्तान का हाथ बेपर्दा हो चुका है। साथ ही साथ इसमें बता दूं कि पाक के इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग पर पिछले शनिवार की रात को ड्रोन मंडराता हुआ नजर आया था, और इसी के चलते हुए भारत ने अब पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई है, और उन्होंने उनको लिखित में शिकायत भी कर दी है कि आखिरकार अगर ये चीज आपके द्वारा की गई है तो क्यों की गई है, और इस्लामाबाद पाकिस्तान में आता है तो आप ये बताइए कि आखिरकार ये पाकिस्तान के अंदर होने के बावजूद भी भारतीय जो उच्चायोग है उसके ऊपर ड्रोन कैसे मंडरा रहा था। तो इसी के चलते हुए अब लगातार मुश्किलें बढ़ चुकी हैं पाकिस्तान की, और अगर पूरा पुष्टि हो जाएगी कि पाकिस्तान से ही यह ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं और पाकिस्तान से ही अटैक किया गया है, तो एक बार फिर पाकिस्तान फंसता हुआ साफ साफ नजर आ सकता है। वहीं अगर हम एक खबर की ओर रुख करें, जिसमें आप सभी को बता दूं कि प्रदेश के अंदर लगातार गर्मी का सितम तो जारी है, और इसी बीच पिछले काफी दिनों से पारा 40 डिग्री से ऊपर तक चल रहा है, और इसी बीच आप सभी को बता दूं कि अब राहत की खबर तो ये सामने आई है कि 7 और 8 जुलाई से मानसून राजस्थान के अंदर प्रवेश करने जा रहा है, और इसी के साथ साथ आज से 10 दिन बाद अच्छी बारिश की संभावनाएं भी जताई जा रही है, जिससे अब देश की जनता और प्रदेश की जनता दोनों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता दूं कि जो नगर निगम ग्रेटर महापौर के पति हैं राजाराम गुर्जर, उनके ऊपर एसीबी अभी कार्रवाई कर रही है, और यह वीडियो को लेकर के कार्रवाई की जा रही है जिसमें रिश्वत मांगने की एवज में कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसके अंतर्गत राजाराम ने कहा है कि एसीबी लड़ के जोर पर पूछताछ करना चाहती है और हमारा कबूलनामा लेना चाहती है, लेकिन वही अगर हम एसीबी की बात करें तो एसीबी ने साफ मना कर दिया कि उनके पास लट ही नहीं है और हम लट का उपयोग नहीं करते। वहीं दूसरी ओर राजाराम ने कहा है कि अगर हमारे खिलाफ अभी कोर्ट में कोई भी सबूत नहीं पेश हुआ है, और इसी के साथ साथ अगर जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी लोकेशन को लेकर के एसीबी अभी जांच कर रही है, लेकिन एसीबी का कहना है कि राजाराम उसमें उनकी सहायता नहीं कर रहा है कि आखिरकार यह वीडियो कहां बनाया गया और कैसे बनाया गया और वहां पे कौन कौन और मौजूद थे। साथ ही साथ आप सभी को अब कोरोना की अपडेट देता हूं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के राजस्थान के अंदर 76 मामले सामने आए हैं। वहीं अगर हम बात करें मौतों के आंकड़ों की, तो कल 7 लोगों की मौत कोरोना की वजह से होती हुई नजर आई है। यह एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि अभी लगातार मौतों के आंकड़े 1-2 पर चल रहे थे, लेकिन अब 7 तक पहुंच चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें अभी एक्टिव केसों की संख्या, तो एक्टिव केसों की संख्या में अभी 1312 केस अभी भी मौजूद बताए जा रहे हैं। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। नमस्कार।